का स्टार्ट हो गया था ना। चलो बताओ बताओ आगे का कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? हीट एंड वर्क पता है सर। हीट एंड वर्क बता रहे थे। हीट एंड वर्क। चलो उससे पहले ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये सारा चीज हो गया था ना? यस सर। चलो तो हीट एंड वर्क में डिफरेंस भी बता दिए थे। अब यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आएगा साइन कन्वेंशन, ठीक है, जो IUPAC के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन है, क्या फॉलो करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में वो हम लोग देखते हैं। तो IUPAC कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क कि कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, कौन से को नेगेटिव लेना है, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इसमें क्योंकि देखो ये केमिस्ट्री का जो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे तो फिजिक्स का साइन कन्वेंशन अलग होता है और केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं साइन कन्वेंशन ये डिफरेंट होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसमें IUPAC के अकॉर्डिंग जो साइन कन्वेंशन है उसमें देखो, इसमें हम लोग बोलते हैं हीट गिवन टू द सिस्टम, किसी सिस्टम में अगर हम लोग हीट दे रहे हैं, किस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करना है, ठीक है। हीट अगर हम लोग सिस्टम में, जैसे मान लो ये है डायरेक्शन, ध्यान रखना ये सिस्टम है, जैसे इसमें हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सटर्नली, हीट क्यू हीट इसको दे रहे हैं, तो ये जो अगर इस सिस्टम में हीट दे रहे हैं हम लोग तो हीट गिवन टू द सिस्टम को पॉजिटिव कंसिडर करना है, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा हीट लॉस बाय द सिस्टम या फिर हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, मतलब अगर उस सिस्टम से हीट निकल रहा है बाहर तो उसको तुमको नेगेटिव लेना है, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। तो जैसे मान लो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सिस्टम है इससे हीट अगर बाहर निकल रहा है, बाहर के डायरेक्शन अगर है, तो इस केस में जो क्यू आएगा ये तुमको नेगेटिव, ऑटोमेटिकली नेगेटिव कंसिडर करना है। समझ में आ रहा है? तो ये हीट के लिए हो गया। इसी तरह वर्क के लिए, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव कंसिडर करना है। तो वर्क सिस्टम कब वर्क करेगा, जैसे मान लो पिस्टन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे गैस गैस और पिस्टन वाला केस है, ठीक है, ये इस टाइप का है, यहाँ पे मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये सिस्टम अगर हम लोग लिए हैं तो इस सिस्टम में अगर ये सिस्टम वर्क करेगा, तो सिस्टम अगर वर्क करेगा तो ये पिस्टन किधर जाएगा, सिस्टम अगर वर्क कर रहा होगा तो ये पिस्टन किधर शिफ्ट होगा, ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। तो अगर ये वाला सिस्टम, ये पिस्टन वाला, मूवेबल पिस्टन वाला केस है, गैस वाला केस है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे एक्सपेंशन वर्क इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है। तो एक्सपेंशन वाला जब भी वर्क होगा या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम, कभी भी सिस्टम अगर वर्क कर रहा होगा तो उसको हमेशा नेगेटिव कंसिडर करना है। और इसी में अगर हम लोग बात करें वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए तो उसको नेगेटिव कंसिडर करना, सॉरी पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इसको पॉजिटिव लेना है, वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन वाला अगर केस होगा तो नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए मतलब कंप्रेशन वाला केस होगा, ठीक है। जैसे गैस वाला केस अगर कंसिडर करेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में क्या होगा, जैसे ये पिस्टन है तो वर्क डन कब होगा इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, जब इसको हम लोग ऊपर से कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये कंप्रेशन वाला केस है गैस में, तो कंप्रेशन वर्क जो है हमेशा पॉजिटिव होगा और एक्सपेंशन वर्क जो है हमेशा नेगेटिव होगा।
बस ये ध्यान रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव. उसी तरह हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम नेगेटिव. तो ये साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर. ठीक है, जहाँ भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें न्यूमेरिकल में क्योंकि साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. ठीक है, तो यह साइन कन्वेंशन याद रहना चाहिए. ये गलती करोगे तो फिर पूरा गलत हो जाएगा कैलकुलेशन. ठीक है, हेलो. यस सर. चलो, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी कुछ कुछ टर्म्स इसमें बचा हुआ है. जैसे ये सब टर्म्स तुम लोग पहले भी पढ़े होंगे, हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी जिसको कि कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है. हीट कैपेसिटी क्या हुआ इसको, ये सब डेफिनेशन तुम लोग 9th-10th में भी पढ़े होंगे. इट इज द हीट रिक्वायर्ड, बेसिक डेफिनेशन सब है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 degree Celsius. किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको हीट जो है 1 degree Celsius से इंक्रीज करना है तो कितना उसमें हीट रिक्वायर्ड होगा उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी. तो जैसे Q जो है हीट रिक्वायर्ड दिया रहता है, सी हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी. तो यही हीट कैपेसिटी यहाँ से क्या आ गया, सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी. तो अगर ये डेल्टा टी 1 degree Celsius हो गया, डेल्टा टी अगर 1 degree Celsius हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हीट रिक्वायर्ड के ही बराबर हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग 1 degree Celsius या फिर 1 Kelvin समझ रहे हो, क्योंकि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस तो एक का ही रहता है ना, 100 का ही उसमें है. So, 0 degree Celsius टू 100 degree Celsius. और यहाँ पे ये कितना वेरी करता है, 273 Kelvin से 373 Kelvin. तो दोनों के बीच में तो 100 का ही गैप है ना, तो डिफरेंस जो है या तो 1 degree Celsius या फिर 1 Kelvin का होना चाहिए. तो इसको हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं. किसी भी सब्सटेंस का 1 degree Celsius से टेम्परेचर अगर राइज करना है तो कितना हीट देना पड़ेगा, वही हो गया हीट कैपेसिटी. इसका यूनिट क्या हो जाएगा हीट कैपेसिटी सी का, तो क्यू जो है ये एनर्जी है तो जूल में रहेगा इसका यूनिट जूल, और नीचे क्या है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या फिर जूल पर कैलविन, जूल पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल कैलविन, जूल पर कैलविन. ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा हीट कैपेसिटी का. ये हो गया हीट कैपेसिटी. अब हीट कैपेसिटी यहाँ पे हम लोग दो तरीके का देखेंगे, एक होगा सीपी और दूसरा होगा सीवी. ठीक है, यहाँ पे सिंपली हीट कैपेसिटी भी यूज होगा बट सीपी और सीवी ज्यादा देखेंगे. सीपी और सीवी क्या हुआ, ये पी अगर लग गया तो ये हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब जो भी उसका सबस्क्रिप्ट होगा वो मतलब कांस्टेंट है वहां पे. तो हीट कैपेसिटी सीपी हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी अगर यूज कर रहे हैं तो ये हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, तो ये ज्यादा यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, आगे देखेंगे कैसे कैसे यूज करना है. तो सीपी हो गया हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीवी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. तो हो गया हीट कैपेसिटी. इसी में एक और टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी पढ़े होंगे तुम लोग, पढ़े हो. हेलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़े हो या नहीं? नो सर. नहीं पढ़े हो अभी तक. चलो ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है, यहाँ पे हम लोग मास फिक्स कर दिए. ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं. इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू टू रेज द टेम्परेचर
of 1 gram of a substance by 1 degree सेल्सियस. ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 ग्राम ले रहे हैं हम लोग, और उस 1 ग्राम का अगर टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो उस केस में जितना हीट देना होगा वही हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो ये डिफरेंस है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में. हीट कैपेसिटी जो है वो मास डिपेंडेंट होगा, मतलब एक्सटेंसिव है, और स्पेसिफिक अगर हीट कैपेसिटी बोला जाए तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लास्ट क्लास में भी बताए थे. क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास क्या हो गया, फिक्स कर दिया गया, किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम ही लेंगे हम लोग, लेकिन हीट कैपेसिटी में मास फिक्स नहीं किया गया, वो मास पर डिपेंड करेगा, मतलब जितना ज्यादा मास होगा सब्सटेंस का उतना ज्यादा हीट कैपेसिटी होगा. ठीक है, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में वो नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि इसमें किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब वो उसका मास 1 ग्राम जो है ये फिक्स कर दिया गया है. ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग उसको देखोगे एस से भी डिनोट किया जाता है, अलग अलग नोटेशन होता है, बहुत जगह सी भी दिखेगा तुमको. ठीक है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एम भी आ जाएगा, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी. ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे S जो आ जाएगा ये Q by M into delta T. तो देखो मास अगर 1 ग्राम पुट कर दें और टेम्परेचर कितने से राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो S क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर. ठीक है, तो यही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब इसका यूनिट जो होगा ना ये जूल पर, नीचे मास भी आ गया, तो जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर ग्राम केल्विन. ठीक है, या फिर यहाँ पे 1 केल्विन भी लिख लो. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हो सकता है तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे. ठीक है, तो वो भी यूज कर सकते हैं. समझ में आ गया ना बेसिक डिफरेंस क्या है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में. बोलो. तो यहाँ पे मास जो है किसी भी सब्सटेंस का वो 1 ग्राम फिक्स कर दिया गया, 1 ग्राम ही सब्सटेंस का लेना है, और उस 1 ग्राम का अगर हम लोग टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाह रहे हैं तो उस समय कितना हीट देना पड़ेगा, उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और यहाँ पे एक और इसी से रिलेटेड टर्म है मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो गया कि अगर जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक में हम लोग 1 ग्राम फिक्स कर दिए थे ना, मोलर में क्या होगा 1 मोल फिक्स कर देंगे, तो बस और बाकी सारे चीज सेम है. इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोग 1 मोल ले लें और उसका टेम्परेचर अगर हमको बढ़ाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी. जैसे Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ आ जाएगा मास की जगह पे n नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और ये Cm मतलब मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी. तो ये जो Cm हो जाएगा ये मोलर मोलर के लिए यूज हो रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी. समझ रहा हो ना बात नोटेशन. तो ये n जो है, अब ये n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स. तो किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोग 1 मोल ले लें और टेम्परेचर अगर उसका 1 डिग्री या 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो ये इसका मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा. ये भी मोलर हीट कैपेसिटी भी अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि यहाँ भी क्या कर दिया हम लोग, इसका मोल्स फिक्स हो गया. मोल्स फिक्स हो गया तो उसका मास भी क्या है, फिक्स्ड है. ठीक है, लेकिन और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यहाँ भी मास फिक्स्ड है, बट हीट कैपेसिटी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा क्योंकि यहाँ पे मास फिक्स नहीं है. समझ रहे हो डिफरेंस? यस. और इसका मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर
मोल केल्विन, ठीक है, यह इसका यूनिट होगा। मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखोगे Q को हम लोग, अब तीन जो हीट है, अगर हम लोग सिर्फ हीट कैपेसिटी के टर्म में बोले तो C इंटू डेल्टा T आया। मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में बोलोगे N नंबर ऑफ मोल्स इंटू Cm, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T आया। और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में लिखें तो M इंटू S इंटू डेल्टा T, ठीक है। तो ये Q के अलग अलग फॉर्म्स हो गए, डिफरेंट फॉर्म्स में एक क्यू को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे जो फॉर्मूला यूज करना होगा जिसके अकॉर्डिंग वो हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, लिख लिया, हो गया इतना। एक सेकेंड लिखो, हो गया सर, हो गया सबका। चलो तो ये हो गया हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक और मोलर। अब यहाँ पे देखो अलग अलग जो हम प्रोसेस बताए थे उसमें भी इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। मान लो अगर हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस ले, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, तो उस समय जो हीट कैपेसिटी यूज करोगे ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला आएगा, CV, समझ रहे हो। आइसोकोरिक प्रोसेस में तो ये बता चुके हैं वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो जो हीट कैपेसिटी होगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला क्या था, CV, यही था ना। नेक्स्ट अगर आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर, प्रेशर। तो इसमें जो हीट कैपेसिटी आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तीसरा अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बताओ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट कैपेसिटी क्या होगा, What will be the heat capacity of isothermal process? तो heat capacity देखो क्या है, Q into delta T, sorry, heat capacity C is equal to Q by delta T, है ना, यही है ना। अब isothermal process, isothermal process में क्या होता है, temperature constant होता है, तो temperature अगर constant है ये डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो। और किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है, समझ गए क्यों हो रहा है इनफाइनाइट। यस सर, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो मतलब इनफाइनाइट। चलो नेक्स्ट है आइडियाबेटिक प्रोसेस, अगर ले हम लोग तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट कैपेसिटी बताओ, व्हाट विल बी द हीट कैपेसिटी इन आइडियाबेटिक प्रोसेस। आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा, क्या चीज कांस्टेंट होता है आइडियाबेटिक में, जीरो, क्या
क्या कौन ट्रांसफर नहीं होता है, तो ही ट्रांसफर नहीं होगा तो किसका वैल्यू जीरो होगा यहाँ पे, किस चीज का वैल्यू जीरो होगा? क्यू का वैल्यू जीरो होगा तो क्या होगा, हीट कैपेसिटी का क्या वैल्यू आएगा बताओ? क्यू अगर जीरो हो गया तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? जीरो जीरो हो जाएगा, ये क्यू बाय डेल्टा टी है ना, तो क्यू ही अगर जीरो हो गया तो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो जीरो ही रहेगा। तो ये अलग अलग चारों प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी अलग अलग हो जाएगा। आइसोकोरिक है तो उस समय हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी वाला आ जाएगा, आइसोबारिक में सीपी, आइसोथर्मल में इनफाइनाइट हो जाएगा, और एडियाबेटिक में हीट कैपेसिटी विल बी जीरो। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस में कैसे हीट कैपेसिटी को हम लोग इंटरप्रेट करेंगे वो चीज है। चलो अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिवर्सिबल के बारे में। रिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ पर, तो रिवर्सिबल प्रोसेस को बोला गया है तो वैसा प्रोसेस जो कि इनफाइनाइट स्टेप्स में अगर कंप्लीट हो और इनफाइनाइट टाइम लगे उसको कंप्लीट होने में, इनफाइनाइट स्टेप्स एंड इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, मतलब प्रोसेस जो है इतना स्लो हो रहा है, इतना स्लो प्रोसेस है कि इनफाइनाइट टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट होने में और इनफाइनाइट स्टेप्स इन्वॉल्व है उसमें, तो उस टाइप के प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और रिवर्सिबल प्रोसेस का एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है हर एक स्टेप में जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे रहता है। ठीक है, जैसे मान लो ये इस टाइप का सीन अगर हम लोग ले लें, ठीक है, किस टाइम अगर इसको सिंपल टर्म्स में समझना चाहते हो तो इस टाइप में है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये अरे यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, इसके अंदर कोई गैस है, ठीक है, और ये मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन जो है ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। मान लो यहाँ पे सैंड का हिप है, वो मतलब एक्सटर्नली हम लोग यहाँ पे कुछ सैंड का हीप लगा दिए, सैंड डाल दिया गया ऊपर से, ठीक है, बहुत सारा है इनिशियली। ठीक है, तो ये देखो जैसे इसको डालोगे तो ये क्या होगा, किसी ना किसी टाइम पे ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, मतलब जो ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है टोटल दैट विल बी इक्वल टू नीचे से जो प्रेशर ऑफ द गैस लग रहा है, ये जब इक्वल हो जाएंगे तो उस समय ये पिस्टन रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे एक एक सैंड के पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं, समझ रहे हो, एक सैंड पार्टिकल उठाओ यहाँ से और इसको रिमूव करो, तो उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा क्या? समझ रहे हो कितना माइक्रो लेवल का वो सैंड का एक पार्टिकल, समझ रहे हो कितना छोटा होता है, तो उस लेवल का पार्टिकल को तुमको हटाना है और उसके बाद एक एक करके हम लोग रिमूव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके जैसे ही रिमूव करते जाओगे तो क्या होगा, उससे थोड़ा बहुत तो चेंज आ रहा होगा, मास कितना कम होगा उसका मास, लेकिन जब माइक्रो लेवल पे जाके बात करेंगे हम लोग तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ रहा होगा उसकी वजह से। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि उस कंडीशन से जब सैंड जो है वो पूरा रिमूव हो जाएगा, मतलब एक एक करके हम लोग रिमूव कर रहे हैं, एक एक पार्टिकल उठा के हटा रहे हैं, और जब फाइनली जब पूरा सैंड का पार्टिकल हट गया, पूरा सैंड हट जाएगा, तो उस सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ, ये प्रोसेस में इनफाइनाइट टाइम या इनफाइनाइट स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे? ये प्रोसेस इतना स्लो होगा कि लगेगा इसमें कि इनफाइनाइट स्टेप्स इन्वॉल्व है, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो तो अनकाउंटेबल है ना, सैंड के पार्टिकल्स काउंट कर सकते हो क्या वहां पे बताओ?
नो सर नहीं। तो जैसे पूरा सैंड जब हटा लोगे तो कैसा तुमको लगेगा वो प्रोसेस, किस टाइप का फील आएगा? कि वो प्रोसेस में जो है इनफाइनाइट स्टेप्स लगने वाले हैं, एक एक सैंड पार्टिकल अगर हम लोग रिमूव कर रहे हैं, और टाइम भी क्या हो रहा है, टाइम भी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम इन्वॉल्व होगा। तो उस टाइप के प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस में एक और चीज है, एक कैरेक्टरिस्टिक तुम लोग को बताए थे कि यहाँ पे जो होता है हर एक पॉइंट पे या हर एक स्टेप के बाद और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब जो बाहर का प्रेशर है और जो अंदर का प्रेशर है, एक एक सैंड पार्टिकल रिमूव करने पे वो जो है हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा हर एक कंडीशन पे। तो हर एक स्टेप पे ये प्रोसेस जो होता है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एट ईच पॉइंट सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, ये सिस्टम और बाहर का जो सराउंडिंग है ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे है, आर इन इक्विलिब्रियम, और इसीलिए इसको क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी बोला जाता है। इट इज मेड अप ऑफ क्वाजी स्टैटिक, स्टैटिक मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है हमेशा, ठीक है। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस मतलब हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे वो सिस्टम और सराउंडिंग जो है आपस में इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। दैट इज व्हाई रिवर्सिबल प्रोसेस आर नोन एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। और यहाँ पे एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, इनफाइनाइट सिमल स्मॉल। मतलब यह समझ रहा हूं डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। तो यहां पे देखो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, प्रेशर एक्सटर्नल, और उसको अपोज कौन कर रहा है नीचे से, प्रेशर ऑफ द गैस। तो इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे ना तो ये जो डिफरेंस आएगा डीपी बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखो अभी एक्सटर्नल प्रेशर और नीचे प्रेशर ऑफ द गैस है, ठीक है। तो जैसे एक सैंड पार्टिकल तुम यहाँ से रिमूव करोगे तो वो सैंड पार्टिकल रिमूव करने से कितना उसका फोर्स कम आएगा, समझ लो कितना कम होगा उसका वैल्यू, क्योंकि उसका मास बहुत ही कम होगा, माइक्रो लेवल का पार्टिकल होगा वो, तो उसका मास भी उसी के जैसा होगा, माइक्रो लेवल पे जाके बात करना होगा, तो वो इतना छोटा होगा जिसकी वजह से जो होगा जो ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर है वो उसमें उसी के लेवल का चेंज आ रहा होगा। तो ये चेंज जो आ रहा है ना एक्सटर्नल फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का, ये जो डीपी है स्मॉल चेंज जो लिखे हैं, ये बहुत ही छोटा होना चाहिए, मतलब डीपी टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब इतना छोटा है कि वो जीरो के करीब होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो इसको बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस कि इनफाइनाइट स्टेप्स इनफाइनाइट टाइम इन्वॉल्व होगा, हर एक पॉइंट पे सिस्टम और सराउंडिंग जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। और डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइट सिमली स्मॉल, बहुत ही छोटा, मतलब टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, और इसके एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जो है ये टाइम के साथ चेंज होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा हमेशा, क्योंकि जैसे ही एक सैंड पार्टिकल हटाओगे तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, लेकिन वो कम इतना छोटा वैल्यू होगा टेंडिंग टू जीरो, लेकिन वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि सैंड पार्टिकल हम लोग रिमूव भी तो कर रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत ही कम अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंज तो आ रहा होगा ना, ठीक है। तो इसलिए वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं है वहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस में, वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है हर एक स्टेज के बाद, और वो चेंज जो होगा वो टेंडिंग टू जीरो होगा, ठीक है, बहुत ही छोटा चेंज होगा। तो ये है रिवर्सिबल प्रोसेस।
नोट कर लिया इसको? हेलो हेलो, कर रहे हैं सर। करो जल्दी। हो गया? यस सर। चलो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर और अपोजिंग प्रेशर है, ठीक है, ये जो डेल्टा पी आएगा, ये डेल्टा पी जो है बहुत ही लार्ज वैल्यू होना चाहिए, मतलब एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर और अपोजिंग प्रेशर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए, मतलब वो टेंडिंग टू जीरो नहीं, लार्ज वैल्यू, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होना चाहिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इट अकर्स इन फाइनाइट स्टेप्स एंड फाइनाइट टाइम। जैसे रिवर्सिबल था क्या, इनफाइनाइट टाइम लग रहा था, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट स्टेप्स होना चाहिए और फाइनाइट टाइम में यह कंप्लीट होना चाहिए। तो इट अकर्स इन फाइनाइट स्टेप्स एंड टाइम, ठीक है। और एक और वो तो लिख ही लिया, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल प्रेशर एंड अपोजिंग प्रेशर, ये जो होना चाहिए लार्ज होना चाहिए। एक और पॉइंट है इसमें कि इट अकर्स अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। इट अकर्स अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा हर एक मोमेंट पे कॉन्स्टेंट रहेगा, हर एक स्टेप पे कॉन्स्टेंट रहेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस में देख रहे थे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा था ईच पॉइंट के बाद, या हर एक स्टेज के बाद, हर एक स्टेप के बाद वो चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये हमेशा पी एक्सटर्नल, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। और एक और चीज है यहाँ पे कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, only at initial and final stage, ठीक है। reversible process में हम लोग क्या देखे थे कि system और surrounding जो है वो हर एक step के बाद आपस में equilibrium में रहते हैं, हर एक step के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, irreversible process में system और surrounding equilibrium में सिर्फ और सिर्फ initial point पे या initial step पे, और जो final stage होगा उस पे हम सिर्फ equilibrium में रहेगा, बीच में वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, ठीक है। जब प्रोसेस हो रहा होगा उस समय वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस में वो इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। ये डिफरेंस है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। तो क्वेश्चन में तुमको जैसे दिया नहीं रहेगा, बहुत जगह मेंशन किया हुआ रहता है कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन बहुत जगह तुमको मेंशन नहीं भी किया हो, तो उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम लोग क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टाइप का प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग जज करते हैं कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा या रिवर्सिबल होगा, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। तो लिख लो इसको, उसके बाद आगे हम लोग करेंगे।
यस सर हो गया यस सर चलो तो ये अगर हो गया तो अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे मूव करते हैं। वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए बेसिक ये सारे टर्म्स का मतलब समझना जरूरी था। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे कि वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करना है, अलग अलग प्रोसेस में कैसे वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क का कैलकुलेशन। तो वर्क डन मेनली हम लोग गैस का, इसमें गैस का ही वर्क डन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो वर्क डन बाय गैस, तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करते हैं, प्रेशर ऑफ ए गैस पीवी वर्क जनरली होता है यहाँ पे, और इनटू डीवी मतलब कितना गैस प्रेशर अप्लाई कर रहा है और वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, इसको इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चेंज इन वॉल्यूम जो है बहुत छोटा है, तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, वॉल्यूम यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो इनिशियल वॉल्यूम V1 से लेके फाइनल वॉल्यूम जो V2 तक है ये इंटीग्रेट होता है। तो ये वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है, पी प्रेशर ऑफ अ गैस इंटू डीवी। अब यहाँ पे एक्चुअली प्रेशर हम लोग वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर निकालते हैं, तो प्रेशर ऑफ अ गैस और एक्सटर्नल प्रेशर जो है माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर होगा, क्योंकि देखो एक्सटर्नल प्रेशर जो है ऊपर से लग रहा है पी एक्सटर्नल, और प्रेशर ऑफ द गैस जो है कंटेनर के नीचे से लगता है, यही जैसे पिस्टन वाला केस लोगे यही है ना। यहाँ पे देखोगे ये पिस्टन जो है मूवेबल पिस्टन है, तो ऊपर से क्या लग रहा है, ये एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल, और नीचे से प्रेशर ऑफ द गैस, तो दोनों प्रेशर का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना। किसी एक को अगर तुम प्लस लोगे तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन से जो प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर गैस वाले को हम अगर हम पॉजिटिव लिए हैं तो उसके अपोजिट वाला ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो प्रेशर ऑफ ए गैस इज माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ द गैस तो हमको दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, पी एक्सटर्नल हमको दिया रहेगा, तो पी एक्सटर्नल के टर्म में ही अगर हम लोग पुट करेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑफ गैस, या वर्क डन गैस का अगर निकालना है तो माइनस ऑफ पी गैस की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, और ये वॉल्यूम इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग V1 से V2 तक। समझ में आ गया, तो ये हमारा वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है। अब इसको अगर ग्राफिकली हम लोग समझना चाहें तो ग्राफ में देखोगे, ग्राफ में इसको क्या क्या मतलब हुआ, तो ग्राफ में जैसे पी और वी का, पी और वी के बीच का कोई ग्राफ अगर हमको दिया रहेगा कर्व, तो इसमें ये जो वर्क डन होता है ना, ये वर्क डन ग्राफ में कैसे आता है, जैसे मान लो ये कर्व दिया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, ये इक्वेशन बना हुआ है। ठीक है, उसके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये प्लॉट किया गया और ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे इस ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा, ये कर्व जो है इस ये कितना एरिया ये इन्वॉल्व कर रहा है अपने अंदर, ये जो पूरा एरिया होगा ना, एरिया अंडर कर्व, ये जो कर्व जितने तक जा रहा है उसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, ये पूरा एरिया जो है ये वर्क डन बताता है, एरिया अंडर द कर्व, जो कर्व रिप्रेजेंटेड है उसके अंदर कितना एरिया पूरा आ रहा है वही जो है ये हमको वर्क डन बताएगा। मॉड ऑफ वर्क डन मतलब जो वैल्यू आएगा हमारा, साइन नहीं है, जो वैल्यू आ रहा है हमारा, जो वैल्यू होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, वो एरिया अंडर द कर्व से पता चलेगा हमको। तो कर्व कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो पैराबोलिक हो सकता है, सर्कुलर कर्व हो सकता है, तो वो वैरी करेगा। ठीक है, तो वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला हो गया, ये बेसिक फॉर्मूला यही है, P external माइनस ऑफ P external इंटू DV, उसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग वॉल्यूम V1 से V2 तक। ठीक है,
और एरिया, ये अगर ग्राफ के टर्म में समझोगे तो ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसमें एरिया अंडर कर्व निकाल लोगे, एरिया कितना वो कर्व के अंदर बन रहा है वो एरिया टोटल कैलकुलेट कर लोगे, तो उससे हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर की जाने, ठीक है, थोड़ा सा और सर ऊपर कर दे। अब क्या ऊपर करा? ठीक है सर। Yes. ठीक है, अब जैसे देखो मान लो ग्राफ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस करने हैं हमको, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया आपको, जैसे ये है, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हमको वर्क डन निकालना है, तो यहाँ पे क्या बताएं, जितना भी कर्व जो तुमको दिया रहेगा उसका अगर एरिया, ठीक है, और यहाँ पे डेटा भी कुछ दिया है, ये इसका 2 ATM है, और यहाँ पे जो है ये 1 L दिया गया है, और ये वाला तुमको 4 L दिया गया है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, ये 1 L और ये 4 L है, ठीक है, और ये कुछ इस टाइप का है। तो तुमको यहाँ पे अगर वर्क डन पूछा गया, तो वर्क डन का सिंपल सा अगर कर्व के फॉर्म में दिया रहेगा, सिंपल सा चीज बताएं कि एरिया अंडर कर्व जो होता है वो वर्क डन देता है, तो एरिया अंडर कर्व अगर वर्क डन देगा तो यहाँ पे एरिया अंडर कर्व ही निकाल लेंगे हम लोग। तो ये देखो ये किस टाइप का, जब कर्व को ज्वाइन करोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरा, तो ये किस टाइप का रेक्टेंगुलर कर्व बन रहा है ना, रेक्टेंगल की तरह। तो यहाँ पे देखोगे रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, लेंथ इनटू विड्थ करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, वर्क डन क्या आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व। तो इसका लेंथ कितना है, देखो ये 2 ATM, ये जो सॉरी लेंथ तो ये आ जाएगा ना हमारा, प्रेशर है 2 ATM, तो ये विड्थ आ गया, ठीक है, विड्थ है 2 ATM, और लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ एक्स एक्सिस में मेजर करोगे, ये लेंथ कितना आ जाएगा, 4 L और ये 1 L, तो 4 - 1 करोगे ये 3 L आ गए, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वर्क डन, ये हमको मैग्नीट्यूड मिला, वर्क डन क्या आ गया, 6 L ATM, ठीक है। तो ये लीटर ATM भी देखो एक्चुअली वर्क डन का ही यूनिट है, लेकिन अगर ये लीटर ATM को अगर तुमको जूल में पूछा जाए, ठीक है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछा जाए, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, लीटर ATM को अगर तुमको जूल में कन्वर्ट करना पड़े तो यहाँ पे एक रिलेशन ध्यान रखना, 1 L ATM जूल होता है, ठीक है, 1 L ATM इज इक्वल टू, अगर जूल में पूछा जाए तो ये रिलेशन याद रखना, 101.3 जूल। कैलोरी में भी बहुत जगह, क्योंकि एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी में भी पूछा जाता है, तो 1 calorie इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 calorie में अगर पूछा गया तो 4.18 जूल होता है, ये रिलेशन भी ध्यान रखना है। तो ये दो रिलेशन ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा तुमको ATM लीटर में ज्यादा नहीं दिखेगा, ज्यादा जूल में ही दिखेगा, तो अगर लीटर ATM में तुमको पता है जूल में बदलना है तो 1 L ATM इज इक्वल टू 101.3 जूल होता है, या कैलोरी में पूछा जाए तो जूल में निकाल लो पहले, और 1 calorie इज इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अक्सर यूज करना ही पड़ेगा तुमको न्यूमेरिकल में। ठीक है, यस सर, समझ में आया ये सबको। अब इसमें जैसे मान लो ये इस टाइप का अगर तुमको दे दिया जाए, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये कुछ इस टाइप का अगर तुमको दिया है, कर्व जो है प्रेशर और वॉल्यूम का, ये हमको सर्कल बना के दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये चीज दिया गया है, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये है 5 ATM, ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा 1 लीटर, और ये है हमारा 4 लीटर, ठीक है। इसका वर्क डन हमको निकालना है, और इसका डायरेक्शन भी दिया गया है, देखो ये डायरेक्शन है। तो इसमें एक चीज ध्यान देना, अगर ये हमको सर्कल में बना के दिया गया है, ठीक है, तो सर्कल में अगर बना के दिया है तो यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेंगे एरिया अंडर कर्व, क्योंकि ये कर्व का पूरा सर्कल का एरिया निकालने जानते ही हो, तो फॉर्मूला लगा के तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन अगर तुमसे पूछा जाए, क्योंकि वो न्यूमेरिकली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन भी तो फॉलो करना होगा ना, पॉजिटिव वर्क होगा या नेगेटिव, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन जो होता है सर्कुलर वर्क में, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करते हैं हम लोग कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये दिया हुआ है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव कंसिडर करना है, और एंटी क्लॉकवाइज को, ये साइन कन्वेंशन है, एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन अगर है तो इसको तुमको पॉजिटिव कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको साइन देख के देखना होगा कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। पहले अगर मॉड निकालना चाहो वर्क डन तो निकाल ही लोगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, बोलो। हेलो, यस सर, यस सर। और यहाँ पे एक और चीज, सॉरी यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, ये 2 ATM दिया गया है इसमें। तो अब यहाँ देखो रेडियस क्या मिल रहा है इसका, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो कितना होगा रेडियस? 3/2 हो जाएगा, बोलो 3/2 होगा या नहीं रेडियस? एंड डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर तो 3 आएगा, दोनों से देख लो, या प्रेशर वाला वैल्यू यूज करो या फिर वॉल्यूम वाला यूज करो, तो डायमीटर तो 3 आ रहा है, दोनों से आ रहा है 3, रेडियस निकालना है तो 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर साइन तुमसे पूछा जाए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा साइन है ये, डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे वर्क डन का, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस के साथ तुमको लिखना होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम लोग पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, और साइन क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस पाई इंटू आर की जगह आ गया 1.5, 3/2 मतलब 1.5 का स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर एटीएम, क्योंकि प्रेशर एटीएम में दिया गया, वॉल्यूम लीटर में दिया गया, तो लीटर एटीएम। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई का वैल्यू तो पता ही है तुमको, ये 3.14 इंटू 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा ना, ये हो गया एटीएम लीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, तो ये लीटर एटीएम में आ गया। इसको अगर जूल में तुमसे पूछा जाए तो 1 लीटर एटीएम कितना होता है, 101.3 जूल होता है, तो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको। तो ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, अगर साइक्लिक फॉर्म में अगर वर्क डन दिया गया है तो वहां साइक्लिक फॉर्म में तुमको डायरेक्शन ध्यान रखना होगा, क्योंकि वर्क डन हमेशा हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ ही फॉलो करते हैं, क्लॉकवाइज है तो उसमें तुमको वर्क डन लेना है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। ठीक है, -7.06, ठीक है, जो भी आया मल्टीप्लाई कर लेना, 7.067, यस, ठीक है, यही आ रहा है सबका,
एटीएम लेटर. ठीक है ना, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन. चलो एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, एक फाइनल क्वेश्चन या डिस्कस ही करते हैं. चलो उसके बाद ग्राफ वाला ही क्वेश्चन है. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे देखो, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है. ए बी ये रेक्टेंगल बना हुआ, सी डी. इसमें डायरेक्शन देखो, ये इस डायरेक्शन में है, ये इधर है. ये कुछ इस टाइप का साइक्लिक प्रोसेस दिया गया है हमको. ठीक है, अब यहाँ देखो डेटा क्या क्या दिया गया है. ये वाला जो है ये 2 ATM है, ये दिया गया हमको. ये है 5 ATM. ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया हमको 1 लीटर, और ये वॉल्यूम दिया गया 4 लीटर. ठीक है, चलो अब हम वर्क डन निकालना चाह रहे हैं, तो एक एक करके हम लोग सारा प्रोसेस में देखते हैं. ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से. तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वर्क डन ए से बी वाले प्रोसेस में निकालना चाह रहे हैं. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू, क्या है वर्क डन का फॉर्मूला, पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी. ये है ना चेंज इन वॉल्यूम, उसको इंटीग्रेट करते हैं. अगर छोटा सा वॉल्यूम है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं. यही है, बोलो. यस सर. तो अब ये डेल्टा वी कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. डेल्टा वी कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल. तब देखो पहले वाले केस में ए बी वाला अगर देखोगे, तो ए बी में हमारा क्या कांस्टेंट है, ए बी वाले में प्रेशर तो चेंज हो रहा है हमारा, ए बी में क्या कांस्टेंट है दिख रहा है ए बी वाले में, वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो डेल्टा वी ही, चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो हो गया, चेंज इन वॉल्यूम कुछ हो रहा है, नो सर. चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो. जीरो हो जाएगा. प्रेशर का कोई भी वैल्यू हो, चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो गया. तो वह चेंज इन वॉल्यूम जीरो था, मतलब डेल्टा वी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है यहाँ पे. ये किस टाइप का प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ. वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, बोलो. यस सर. चलो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वर्क डन इन बीसी निकालना चाह रहे हैं. तो बीसी में भी यही फॉर्मूला, माइनस पी इंटू डेल्टा वी. अब यहाँ पे देखो बीसी में प्रेशर क्या है हमारा, प्रेशर क्या है 5 ATM. ठीक है, इंटू, अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या, डेल्टा वी अगर हम लोग करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है या नहीं है, नहीं नहीं है कांस्टेंट. तो नहीं है कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम कैसे निकालोगे, डेल्टा वी कितना चेंज हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. तो फाइनल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, 4 लीटर है ना. देखो बी सी, ये डायरेक्शन ध्यान रखो, तो ये बी से सी की तरफ जा रहा है, तो फाइनल कहाँ पे पहुंचा, ये फाइनल वॉल्यूम है 4 लीटर, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर. तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 1 = 3, 3 × 5, ये 15 लीटर ATM आ जाएगा. तो ये वर्क डन इस केस में, बी सी वाले केस में माइनस 15 ATM पर ATM लीटर हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रोसेस देख रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है ना इस पूरे स्टेप में, बी से सी जब जा रहे हैं तो 5 ATM के कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है. तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस होगा. कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोबारिक. ठीक है,
बोलो yes, तो वर्क डन बीसी हो गया। नेक्स्ट हम लोग वर्क डन सीडी देखना चाह रहे हैं। सीडी में वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ। अब यहाँ पे देखो ये वही ए बी वाला केस हो गया। वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या? सी से डी जब जा रहे हैं हम लोग वॉल्यूम चेंज हो रहा है या नहीं? नो सर नहीं। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब वर्क डन यहाँ पे क्या होने वाला है? जीरो। ये भी कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो रहा है? जीरो। ठीक है। अब वर्क डन हम लोग देख रहे हैं डी ए। अब डी से ए जब जा रहे हैं हम लोग तो डी से ए माइनस पी इंटू डेल्टा वी अप्लाई करोगे। तो देखो इस केस में प्रेशर कितना है? ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। डी से जब जा रहे हैं तो प्रेशर देख रहे हो थ्रू आउट द प्रोसेस जो है ये 2 atm फिक्स है। तो ये माइनस साइन तो आगे है, प्रेशर क्या हो गया ये 2 atm। अब डेल्टा वी लिखना है। डेल्टा वी क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो फाइनली हम लोग डी से ए की तरफ जा रहे हैं तो ए वाला फाइनल हो गया। तो ए फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारा? 1 liter है। समझ रहे हो बात? और इस केस में इनिशियल वॉल्यूम जहां से स्टार्ट किए थे हम लोग इनिशियली कहां पे है? इनिशियल वॉल्यूम कितना है यहां पे? इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 4 liter। 4 liter तो 1 minus 4 liter ये कितना आ जाएगा? माइनस 2 atm पहले आ गया था, 1 minus 4 करोगे ये -3 liter हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो गया? प्लस। तो ये हो गया +6 atm liter। तो वर्क डन डीए में आ गया प्लस। साइन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। डेल्टा वी जब भी लिखोगे वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हम लोग। ठीक है। डेल्टा वी मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करना है हमको। ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से साइन हमको आएगा। जैसे यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल के लिए तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन है। तब जब पूरे साइकिल में तुमसे अगर पूछा जाए कितना टोटल वर्क डन हो रहा है, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे? टोटल वर्क डन पूरे कंप्लीट साइकिल में अगर पूछा जाए तो सारे वर्क डन को हम लोग ऐड करेंगे। वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी सी प्लस वर्क डन सी डी प्लस वर्क डन डी ए। तो इसमें देखो ए बी वाला तो जीरो हो गया, सी डी वाला भी जीरो हो गया, और बी सी वाला कितना वर्क डन है? बी सी वाला कितना आया है? -15 liter atm। और प्लस डी ए वाला वर्क डन कितना आया? +6 आया। देख लो तो +6 liter atm। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? क्योंकि यहाँ पे साइन अगर गड़बड़ कर देते तो फिर आंसर गलत आ जाता। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? -15 plus 6। तो ये हो गया -9 liter atm। तो ये हमारा टोटल वर्क डन ये पूरे प्रोसेस में है। चारों प्रोसेस को जब कंबाइन करेंगे तो टोटल वर्क डन हमारा -9 liter atm आया। अगर यही जूल में पूछा जाए तो 1 liter atm is equal to 101.3 जूल होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा चुके हैं 101.3 जूल। जैसे में अगर जूल में पूछा जाए तो 9 into 101.3 ये जूल्स हो जाएगा। ये जूल में आंसर हो गया। ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, सबको समझ में आ गया ये चीज? बताओ, रिप्लाई करो तुम लोग। यस सर, आ गया। तो इसलिए साइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। साइन के लिए तुमको डायरेक्शन अच्छे से देखना होगा कि वो किस डायरेक्शन से हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल जब भी डेल्टा वी तुमको लेना है हमेशा फाइनल में इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए डायरेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लियो उसको। यस सर। एक बार अच्छे से देख लो, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं देख लो, किसी में डाउट है या जो भी टॉपिक बताए हैं अभी तक देख लो। डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है और ज्यादा बहुत देर ही बता रहे हैं तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सब छोटा छोटा चीज है और बेसिक्स है, ये क्लियर हो जाएगा तो पूरा चैप्टर में डाउट नहीं आएगा। साइन कन्वेंशन अच्छे से फॉलो करो, कहीं भी गलती नहीं होगा कुछ भी। ठीक है।
ये सारे छोटा छोटा ही मिस्टेक होता है इस चैप्टर में. एक एक चीज अच्छे से समझो, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए तो फिर दिक्कत नहीं होगा. इसलिए देख लो एक बार अच्छे से, कहीं भी डाउट हो रहा है तो अभी पूछ लो. यहाँ पे देखो जो साइन कन्वेंशन तुम लोग को बताए भी थे कि क्लॉकवाइज अगर होगा तो तुमको नेगेटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव. तो इसमें देखो ओवरऑल जब हम लोग पूरे साइकिल का देखेंगे तो ये पूरा साइकिल का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है बताओ. तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ओवरऑल साइकिल का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है तो हमारा जो ओवरऑल वर्क होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव तो आया भी है, नेगेटिव आया है या नहीं? यस सर. तो ये चीज है तो वो दोनों मैच करना चाहिए तुम्हारा. तो डायरेक्शन जब क्लॉकवाइज है तो तुम्हारा कैलकुलेशन करोगे तो नेगेटिव ही आएगा. अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है इसका मतलब गलती कर रहे हो कहीं भी, ठीक है. और यहाँ पे जैसे तुम लोग को बताए थे ये, जैसे ये तो हम लोग एक एक प्रोसेस अलग अलग करके किए. जैसे डायरेक्टली तुमको अगर टोटल वर्क डन पूछा जाता तो टोटल वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते थे. कर सकते थे एरिया अंडर कर्व, बताओ. एरिया अंडर कर्व बताया ना, ये तो अलग अलग प्रोसेस करके किए तो हम लोग ये सबको ऐड किए. लेकिन अगर टोटली तुमको डायरेक्टली पूछा जाता टोटल वर्क डन कितना है तो इसमें बताइए एरिया अंडर कर्व तो वो टोटल वर्क डन दे देता है. और साइन कैसे देखेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे. तो देखो साइन हो गया क्लॉकवाइज, वर्क डन नेगेटिव आने वाला है. एरिया अंडर कर्व तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल है ना ओवरऑल. तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, लेंथ इनटू विड्थ कर लोगे. तो यहाँ लेंथ देखो 1 लीटर से 4 लीटर मतलब लेंथ हो गया 3 लीटर, ठीक है. और विड्थ कितना हो गया, 2 से 5 ATM, मतलब 2 और 5 का डिफरेंस क्या है, 3 ATM का. तो -3 लीटर इंटू 3 ये कितना होगा, -9 लीटर ATM हो गया. यही तो आया है हम लोग का, आया है टोटल वर्क डन. बोलो. यस सर. तो वही चीज है. तो टोटल वर्क डन अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो डायरेक्टली हम लोग एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करके उसका डायरेक्शन, अगर हमको साइन के साथ लिखना है तो डायरेक्शन देख लोगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. तो साफ साफ दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो माइनस आएगा अभी, तो -9 लीटर ATM. और यही अगर जूल में पूछा जाए तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जूल में आ जाएगा, ठीक है. कोई दिक्कत? बताओ. चलो चलो फिर तो यहाँ तक ही रखते हैं आज, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग वर्क डन अलग अलग प्रोसेस में कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है. और तब तक तुम लोग यहाँ तक बेसिक्स प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस अगर कुछ मिलता है या फिर प्रीवियस चैप्टर तक कंप्लीट करो इसका, नेक्स्ट क्लास से करना प्रैक्टिस इसको. और भी क्वेश्चंस फॉर्मूला बता देंगे उसके बाद से नेक्स्ट क्लास से ये करना, ठीक है. ओके सर. समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर. यस सर. सर केमिस्ट्री का ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. सर चले गए ना? हाँ.